मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना कैसा है? जायज़ है, वाजिब है, हराम है, मुस्तहब है, क्या है? मसले में तफसील है। कोई एक हुक्म अगर हम उस पर सादिर करते हैं तो हुक्म सही नहीं होगा, मसले में तफसील है। जायज़, जायज़ वाला मसला पहले लेते हैं। सबसे पहले मसला इसमें जो आता है वो जायज़ का आता है, मुसाफिर के लिए जायज़ है। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो हालत है वो हालत ऐसी है कि मैं रोज़ा रखूं या रोज़ा ना रखूं, बराबर है मेरे लिए, रोज़ा रखूं या रोज़ा। हमज़ा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो कहने लगे कि मैं रोज़ा रखूं या रोज़ा ना रखूं, ये दोनों ही हालतें मेरे लिए एक जैसी हैं। तो क्या कहा नबी सल्लम ने? इंशा फसुम व इंशा फ़ाफ़्तिर, अगर चाहो तो रोज़ा रखो और चाहो तो ना रखो। अगर तुम्हारी हालत ऐसी है और अक्सर तुम सफ़र में रहते हो कि रोज़ा रखने से तुम्हारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इख्तियार है यानी जायज़ है, चाहो तो तुम रोज़ा रखो और चाहो तो तुम रोज़ा ना रखो। दोनों में से तुम जो चाहो, दोनों का इख्तियार तुम्हें हासिल है। एक और रिवायत है अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो कहते हैं कुन्ना नग़्ज़ु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में ग़ज़वे करते थे। फ़मिन्ना अस्सॉइमु मिन्ना अल-मुफ़्तिर, तो हम में कुछ लोग रोज़े से और कुछ लोग बग़ैर रोज़े के थे। फ़ला यजिदु अस्सॉइमु अला अल-मुफ़्तिर वला अल-मुफ़्तिरु अला अस्सॉइम, तो कोई दूसरे के ऊपर नाराज़ नहीं होता, ना तो रोज़ेदार और ना ही जो बग़ैर रोज़े के थे, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार नहीं करते कि भाई मैं रोज़े से हूँ, आप लोग क्यों नहीं रोज़े से हो, और बग़ैर रोज़े वाले रोज़ेदारों पर ये क्या सूझा हुआ है, सारी नेकियाँ सफरी में करनी है। तो कोई किसी के ऊपर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर नहीं करते। आगे फरमाते हैं वो सैयद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यरौना, सहाबा का ख्याल था, अन्न मन वजद कुव्वतन फसाम फ़इन्न ज़ालिक हसन, उनका ख्याल था सहाबा ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, वो ये अन्न मन वजद कुव्वतन फसाम, कि जो शख्स रोज़ा रखने की कुव्वत अपने अंदर पा रहा है सफ़र के साथ साथ और रोज़ा रख रहा है, फ़हसन फ़इन्न ज़ालिक हसन, तो ये अच्छा है, फ़इन्न ذلك हसन, तो ये अच्छा है। ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن, और उनका ख्याल ये था कि जो शख्स अपने अंदर कमज़ोरी पा रहा है और उस कमज़ोरी की वजह से वो रोज़ा नहीं रखना चाह रहा है तो ये भी अच्छा है। तो गोया कि हर शख्स के लिए अच्छा वो है जो अपने अंदर वो पा रहा है, अगर वो क़ुव्वत पा रहा है तो रखना उसके लिए ठीक है, और नहीं क़ुव्वत पा रहा है तो ना रखना ठीक है। तो जिसके लिए एक जैसा मामला हो, रोज़ा रखे या ना रखे, वो गोया कि सही और दुरुस्त है, वो चाहे रखे या ना रखे, इजाज़त है।